गाइस गुड मॉर्निंग होने वाली है गाइस, सूरज आने वाला है। मौसी जग्गा डाकू बन के खड़ी हुई है। आप किससे लड़ रही है? लड़े जा रही है। यस गाइस, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज माई मासी, दिस इज माई मम्मी, दिस इज माई बुआ, दिस इज माई फूफा, दिस इज माई भाई, दिस इज आदर्स, दिस इज निशा, दिस इज रितांशी, दिस इज ख्वाहिश मैम, और ये है वैष्णो देवी में भैरवनाथ की सुबह। यहाँ से होने वाला भाई सनराइज, बहुत ही तगड़ा वाला सनराइज, उसी का वेट कर रहे थे हम लोग। 4 घंटे तक यहीं पर पड़े रहे सिर्फ सनराइज देखने के लिए, बट अब ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम भागे। चले भाई, भाई रोशनी आ गई, खाई दिखाता हूँ तुम्हें, खाई दिखाता हूँ। हेलीपैड भी है यहाँ पे, यहाँ लैंड होता है। सोचो नीचे का हेलीकॉप्टर चलता हुआ यहाँ लैंड होता है तो लोग आराम से दर्शन कर लेते हैं। हिरन कहाँ गए? ओ आइके, बंदर तो बंदर हिरन भी है भाई। गाइस डियर डियर भाई, लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल होता है। भाई हम लोग तो मान चुके हैं उतरना मुश्किल होता है यार, ऐसी ढलान है साला, ब्रेक लगी नहीं रही है। अगर बंदा कसम से अगर बंदा यहाँ पर फिसल के गिरते हुए चला जाए ना तो लोगों को लगेगा मन्नत मांगने आया है। हाँ मन्नत पूरी होगी तो लौटते हुए नीचे तक जा रहे हैं। सही में भाई ऐसी ढलान, मतलब ब्रेक ही ना लगे। डंडों का असली काम अब आ रहा है भाई ब्रेक लगाने में। और ये लड़की, ये जो फुल जोश में थी ट्रिप के की, वूहू लेट्स पार्टी। अब देख लो लड़की पड़ी कंधे पे बेताल की तरह, देख लो बैग ऐसा पकड़ लिया, बस मैं संभाल रहा हूँ। भाई ये देखो व्यू, पहाड़ों के बीचों में से जो सूरज की किरणें आ रही हैं। वहीं थे हम लोग थोड़ी देर पहले, फिर वो ऊपर वाले जो पतले पतले रास्ते हैं यहाँ से होते होते हम लोग फिर अब यहाँ पे आके बैठ गए। भाई शक्लें देख लो इनकी, शक्लें देख लो इन सब की, सब ये लावारिस की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हें नहीं पता कि क्या बैठे सब ऐसी हैं क्या। चाय लाओ भाई। क्या चाय वाला लगाओ, चल बे ले गया चाय वाला। गाइज हमारी दीदी की लापरवाही की वजह से हमारा एक प्रसाद का थैला वो बंदर एंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ दीदी, इतने नींद में खो गए थे आप? 3 थैले थे गाइज, जैसे 3 थैले जैसे ये लेके बैठी है ना हाथ में, ऐसे 3 थैले थे, पर अब वो बंदर एंजॉय कर रहे हैं। देखो कितने चाव से, उससे नारियल टूटेगा भी नहीं। वही लड़की हसमत मेरा प्रसाद है वो। ये अलग लगी हुई है, इनकी ये कह रही है कि जा वहाँ से नारियल उठा के ले आ। वो देखो जाओ 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 जाओ, और काटा तो एक इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, और पापा को अलग दिखाऊंगा ये वीडियो दिखाऊंगा पापा को। जाओ थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए भाई, ठीक है। तो भाई इतनी चढ़ाई उतरने के बाद हमें पहली स्टॉल दिखी, तो यहाँ पे सब लोग ने लिए चाय, पर मैंने लिया भाई फ्रूट सलाद। अच्छी है तो भाई ख्वाहिश मैम फ्रूट सैलड नहीं खा रही थी तो उनके लिए हमने बनवा लिया है मौसमी का जूस, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। मम्मी इंसानों से ज़्यादा तो ये लोग चल रहे हैं यहाँ पे, हैं है ना, जवान से जवान और बूढ़ा से बूढ़ा लग के जा रहा है भाई। ये नया सिस्टम चल गया भाई, ये बच्चों की गाड़ी वाला। तो भाई अब स्लोप जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो गई थी क्योंकि वहाँ पे घोड़े वोड़े आए जा रहे थे बैक टू बैक, तो अब हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब हम सबके सब सीढ़ियों से जाएंगे। दीदी चलें। गाइस मम्मी जा रही है मौसी को डांटने क्योंकि मौसी हम लोगों को छोड़ के भाग गई थी आगे। अभी बहुत बड़े जवान में घूमते रहे चक्कर लगाते रहे।
तो गए थे अपने परिवार वालों को, फिर से हम कल उसी जगह पे बिठा दिए जहाँ पे ये पहले थे, और अब हम दोनों आकाश और मैं जा रहे हैं चाय लेने इनके लिए, ताकि थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लें। तो वैसे कुछ खाना वाना खाया नहीं है इन्होंने, थोड़ा सा खाना पेट में जाएगा तो शक्ति वापस आएगी। एंड अर्धकुमारी के दर्शन मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि तीन से चार घंटे मान के चलो किसके बाद ही नंबर आएगा। तो हम जाएंगे सीधा बाणगंगा नहाने। तो भाई यहाँ पे भी हमारी सुरक्षा करने के लिए हाजिर है मैकडोनल्ड्स। तो भाई मैकडोनल्ड्स से हमने करा लिए हैं एक मैक स्पाइसी पनीर रैप और 3 मैकालोटी की बर्गर, और चाय भरवा ली है भाई हमने इस पूरी बॉटल में और ग्लास ले लिए। तो जल्दी चलते हैं, भैया ने कहा 2 से 3 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, तो सामान उठा के सीधा चलते हैं भैया, लेट्स गो। सो गाइस पहुँच गए हैं, सामने ही हैं सब लोग। मुझे जाके ख्वाहिश मैम का रिएक्शन देखना है कि हाँ भाई उनको कैसा लगता है। सब लोग मुझे घूर रहे हैं, सब लोग मेरे को घूर रहे हैं कि हाँ भाई क्या करने गए यहाँ, कुछ तो लाया अपने हाथ में छुपा रहे हैं, छुपा लिए। कब तो नहीं लाया है ना हमारे पास, तो कब है तो हमारे पास। वो देखो बंदर आ रहा है, हेलो बोल के जाएगा आपको, अब क्या होगा। अरे इतना बुद्धू समझाएगा अपने बच्चे बेटे को, कब नहीं लाएगा है भाई। तो गाइस अब हम आपको बताएंगे कि बिना अनियन और बिना कैप्सिकम, नहीं बिना लहसुन प्याज का यार कैसा होता है मैकडी का रैप, कैसा है, सही हो रहा है, सही 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 हो रहा है ना। वो टेस्ट वैसे अनियन का तो आता है समझ में ना। चलो 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 बस भाई उतरते उतरते जहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि अब बस अब गिव अप करने वाले हैं, वहाँ कुछ सुंदर चीज़ दी जाती है और थोड़ी सी ज़िंदगी में मोटिवेशन आ जाती है कि भाई लेट्स गो, थोड़ा सा और। और अभी हम उतर रहे हैं 275 सीढ़ियाँ, आई गेस 150 उतर गए हैं और रह गए बाकी, लेट्स गो गाइस। गाइस हमारी बुआ मिल गई, हमारी गुम हुई बुआ मिल गई भाई। भाई हम बाणगंगा पे तो पहुंच गए, बट यहाँ का हाल बहुत बेकार है। तो निखिल अभी गया ये आगे देखने के लिए कि हाँ भाई कि कुछ स्कोप है नहीं है, बेकार कह रहा कोई चांस नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हो भाई, या नहा रहे हैं बस कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। सुबह ये बुआ और फूफा के मिलने की खुशी में हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मैगी खाने के लिए। हमने भैया को मैगी बनाने के लिए बोल दिया, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बट वो दोनों जब से गायब हुए तब से हम लोगों का दिमाग चलना बंद हो गया कि वैसे गए तो गए कहाँ, बोला था नीचे रुकने को बट दिखे ही नहीं। तो फिर फाइनली हम मिल गए हैं, हम नीचे और आदर से आएंगे आराम से। तो हमने कहा भाई वेट करने का फ़ायदा क्या, बोला अपना बाणगंगा में जो भी गंदी सी पैर डाल के बैठे हैं कि हाँ चलो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, तो कर रहे हैं हम यहाँ पर खाना खा रहे, पेट पूजा करेंगे, पेट पूजा पहले। तो भाई हमारी गर्मा गर्म मैगी आ गई है, खाओ भाई खाओ, डोंट वेट, बहुत देर से भूखे हो। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले हमारे बुआ और फूफा खो गए थे, अब निशा और आदर्श खो गए हैं, और इतने अंधे हैं इनको चलते चलते बाणगंगा नहीं दिखी। आगे पहुंच गए एग्जिट गेट पे, फिर वहां से लोकेशन बोल रहे, कह रहा भैया बाणगंगा नहीं दिख रही, मैंने कहा लोकेशन भेज, एग्जिट गेट पे खड़ा है। मतलब ये भाई ऐसा हो गया है कि ढूंढते रहो, घूमो मत ढूंढते रहो एक दूसरे को। मेला कुंभ का मेला हो गया, वैष्णो देवी नहीं गए, नाम चेंज कर देते कुंभ का मेला। तो भाई फाइनली एग्जिट की ओर, सबको ढूंढ लिया, जो भी घूमते हैं सबको मैं ढूंढ लिया। आप लोग भी सोच रहे होगे कि साला ये लोग घूमने आए थे ढूंढने आए थे, वो जब यहाँ चल रहा था पूरी चढ़ाई में, कभी इसको ढूंढ रहे कभी उसको ढूंढ रहे, बट फाइनली भाई मिल गए। हमने ढूंढ लिया। डन भाई, फाइनली इतने ऊंचे पहाड़ों से उतर के हम लोग आ गए नीचे, बट अभी भी बहुत दूर जाना है हमें।
हमारे होटल। और वो गाड़ी आएगी काफी दूर शंकर मार्केट में, तो वहां तक पैदल जाना पहले हमें। क्या वो अच्छा है? तो गाइस प्रसाद खरीदे हैं भाई यहाँ तो, अखरोट में तो ऐसे ट्रिपी सा होगी स्क्रीन। तो भाई नहा वहाँ के रेडी हो गए सब लोग, मतलब सब लोग क्या हम तीन तो हो गए, तो हम लोग बाहर आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। थोड़ा आइसक्रीम आइसक्रीम खाएंगे फिर सब लोग जब नहा वहाँ के रेडी हो जाएंगे तो जाएंगे डिनर करने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोर की। किसी ने भी ढंग से तो कुछ नहीं खाया, हमने भी मैगी खाई थी बस। तो चलते हैं एंड डिनर भी करना है। तो भाई हमारे होटल के जस्ट थोड़ा सा बाहर ही जो है एक ढाबा है, तो हम लोग यहाँ पे खाना आए थे। तो मम्मी ने मंगाया है रायता एंड वेज थाली, एंड हमने मंगाए गोभी के पराठे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे और एक और आलू का पराठा। तो जल्दी से पेट भी कर देते हैं क्योंकि ट्रेन कभी भी निकल सकती है, तो बातें कम एंड खाना ज़्यादा। पनीर पराठा भी आ गया भाई। सो भाई अब सामान वामान लेके हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि अब हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। टाइम हो रहा है अभी 7:15 और हमारी ट्रेन 7:55 में निकल जाएगी, तो अभी हम भाग रहे हैं ताकि गाड़ी पर गाड़ी कहाँ है, कैसे आ रहा है। तो भाई इस बार हम लोग ट्रेन का बैकअप चकना जो है बेसिक सा वो लेके चल रहे हैं, पिछली बार हमारा पोपट हो गया था। ये काफ़ी क्या है इसमें, कुछ नहीं होना है इसमें। ये गुस्से वाली लेडी हैं मेरी माता जी। 7:28 पे ऐसे हो रही थी कि ट्रेन छूट जाएगी, बट भैया ने गाड़ी में बैठाया और 7:30 पे हम रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। हाँ मम्मी ट्रेन छूट जाएगी, पहुँच गई स्टेशन, लेट तो नहीं हो? अब नहीं बोलेंगे मम्मी। भैया ओए सब लोग एक आखिरी बाय बाय तो कर दो वैष्णो देवी को। बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं कुछ सालों में फिर से। आएगा फिर से क्या? कह रहा हूँ अभी नहीं। सब क्या हाँ, गर्मियों में कोई मत आना भाई, बहुत गर्मी होती है। भाई हमारी ट्रेन रेडी है यहाँ पे, अब ये देखते हैं कि ये पहले वाली से कैसी है। टाइट है क्या? चलो भाई ये तो सही है यार, ये तो क्लीन है भाई। तो भाई यहाँ हम सबको सीट मिल गया आराम से, मस्त हम लोग बैठे हैं, मौसी और मम्मी भी यहाँ बैठे हैं हम लोग। और बाय बाय भाई वैष्णो देवी, बहुत तकलीफ दी आपने बट अच्छी मेमोरीज भी हैं, ऐसा नहीं है, दर्द बहुत दिया यार पैरों को, वैसा फिजिकल पेन, नो इमोशनल पेन, इमोशनल इट वाज गुड। अंधेरा आ रहा हो ना, आई जा रही है थोड़ी। पानी बोतल वाला, पानी बोतल।